हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वेटिंग लिस्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के कमेंट कर रहे थे सर वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट पर वीडियो बनाओ। वेटिंग लिस्ट कब और कैसे आएगी, और आपकी जो सेकेंड डीवी है वो कब तक आ सकती है, यानी सेकेंड डीवी की लिस्ट कब आएगी और उसमें कितने नंबर कम हो सकते हैं, और जो सीआर मुंबई का मामला चल रहा है वो क्या है, और अब क्या करना चाहिए हमसे कि ये सीआर मुंबई में जो घोटाला सामने नजर आ रहा है वो सही हो, यानी कि दोबारा से इनका रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए और किस तरह से आना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, जो डाउट है आपका कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, अब वेटिंग में भी लग सकेगी लॉटरी, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्डों को आदेश जारी कर दिया है। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं कि देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद यदि बोर्ड पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, परीक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नौकरी पर नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में ही भरा जाएगा, इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा, यह प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो एक साल तक आपको वेटिंग लिस्ट के जरिए भर्ती किया जाएगा। तो देखिए, जो लड़के कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, देखिए वेटिंग लिस्ट तो आएगी। देखिए, अगर 2018 की बात करें तो 2018 की अभी तक वेटिंग लिस्ट आ रही है, यानी 3 साल बाद भी उसकी वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है, यानी कि उसकी कई डीवी लिस्ट आ चुकी है। तो देखिए, ये जो भर्ती है, जब छात्र ज्वाइनिंग कर लेंगे और किसी का किसी में एनटीपीसी में हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, और जगह हो जाएगा, तो वो इस ग्रुप डी को छोड़ देंगे। अब देखिए, ग्रुप डी जब पद खाली हो जाएंगे, जो रेलवे भर्ती कर रहा है ये ग्रुप डी वाली भर्ती, जब पद खाली हो जाएंगे तो वो नई भर्ती, यानी कि नई भर्ती निकाल करके अगर भर्ती करना चाहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो वो करेंगे क्या कि इसी में मेरिट को डाउन करके जो छात्रों ने पीईटी क्वालिफाई कर लिया है उन्हीं को बुला लेंगे, उनका डीवी मेडिकल हो जाएगा, फिर उन्हीं को ही वो ज्वाइनिंग दे देंगे। तो देखिए, ज्यादा नहीं तो मैं बता दूंगा 25-30% छात्र रेलवे ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देते हैं। आप कोई सा भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, इतने परसेंट छात्र की नौकरी 1-1.5 साल के अंदर छोड़ देते हैं। तो जैसे ये छात्र यहां से निकल जाएगा, पहले डीवी में नाम आ गया है, ये कंप्लीट हो जाएगी, ये समझे कि अप्रैल मई तक ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जिनका फर्स्ट डीवी में नाम आया है और ये जैसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि कितने छात्रों ने ज्वाइन किया है और कितने छात्रों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। तो उसके बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी कि अभी यहां पर इस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद में देखिए, जैसे ही उनको पता चल जाएगी इतनी वैकेंसी खाली है, उसके बाद में देखिए कैटेगरी के हिसाब से फिर वो एक सेकंड डीवी लिस्ट जारी करेंगे, यानी जितने छात्रों की जरूरत होगी उतनी सेकंड डीवी जारी करेंगे। उसके बाद फिर उन छात्रों को बुलाया जाएगा जो पीटी पास है, कुछ नंबर डाउन करके, देखिए ज्यादा नहीं हो सकती है, तो जो कुछ पॉइंटों से रह गए हैं तो सेकंड डीवी में वो तो आ जाएंगे, जैसे 0.3, 0.5, 0.6 ऐसे अगर कोई छात्र रह गए हैं तो उनका सेकंड डीवी में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि कई डीवी लिस्ट जारी होगी। जैसे जैसे पद खाली होते जाएंगे ऐसे ऐसे ही वो छात्रों को बुलाते जाएंगे। किसी देखिए, किसी जन ने 100 बुला लिए, कभी किसी ने 150 बुला लिए, किसी ने 200 बुला लिए, जितने छात्र छोड़ देंगे उतने छात्रों को वो बुला लेते हैं। तो देखिए, वो पार पर रह गए हैं, पॉन्टों से रह गए हैं, तो उनका तो देखिए 1 साल के अंदर हो ही जाएगा। तो वो छात्र टेंशन ना लें जो कह रहे हैं कुछ नंबर से रह गए हैं कि वेटिंग आएगी नहीं आएगी, तो वेटिंग तो वहां पर आपकी आएगी और वेटिंग में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया देखिए मई जून तक कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में देखिए जुलाई अगस्त में सेकंड डीवी लिस्ट आ जाएगी और वहां पर जो छात्र रह रहे हैं पंडित से उनका वहां पर हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का जो डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट भी ये भर्ती पूरी की जाएगी। देखिए, अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपना रिजल्ट जारी किया है, उन्होंने सबसे ईमानदारी के साथ अपना रिजल्ट जारी किया है। इन्होंने रैंक वाइज स्टूडेंट, यानी कौन सी किसकी रैंक है, इस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट दिया है, यानी पूरी पारदर्शिता दिखाई है उन्होंने। कोई भी इसमें बिल्कुल भी घपलेबाजी की आशंका नहीं है, कैटेगरी वाइज यानी कि रैंक वाइज, यानी कि बहुत अच्छे से इन्होंने रिजल्ट दिया है। देखिए, इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि इनको पता है कि कई जोन में छात्र भड़के हुए हैं, वहां लग रहा है कि घोटाला हुआ है, इसलिए इन्होंने अपना रिजल्ट जो दिया है पूरी ईमानदारी से दिया है। कि जोन की ये कट ऑफ गई है, यहाँ आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ इन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता दिया यहाँ पर। तो देखिए, जबलपुर ने ये कट ऑफ भी जारी कर दी है, आप देख सकते हैं कट ऑफ, ये आप साइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और वहां आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इन्होंने लिंक दे दिया है। अब बात करें सीआर मुंबई घोटाला की, तो देखिए सीआर मुंबई में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। देखिए, अभी जबलपुर ने रिजल्ट जारी किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिजल्ट किया है, यानी कि रैंक वाइज उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। तो सबसे अच्छी तरीके से ईमानदारी से जो रिजल्ट जारी किया है वो जबलपुर ने ही जारी किया है। तो देखिए, सभी जोन वाले इसी तरह से अगर रिजल्ट जारी करते हैं तो सभी छात्र संतुष्ट हो जाएंगे और उन्हें यह भी नहीं लगेगा बिल्कुल कि घोटाला हुआ है, यानी कि बहुत ईमानदारी से इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए। सभी जोन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जबलपुर ने भी इसलिए ये रिजल्ट जारी किया है क्योंकि उनको पता है जोन के छात्र परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उसी को देखते हुए उन्होंने अपना रिजल्ट बहुत ही ईमानदारी से जारी
कर दिया है। तो अब देखिए मुंबई को भी रिजल्ट अपना वापस लेना चाहिए और रिवाइज रिजल्ट यानी कि इसी हिसाब से जबलपुर के हिसाब से ही उनको अपना रिजल्ट देना चाहिए, चेन्नई को भी ऐसा ही करना चाहिए। और देखिए मैंने बहुत टीचरों से बात भी करने की कोशिश की और कहा भी कि सर अब इसमें क्या करें, तो देखिए अभी हो रहा है कि शायद कुछ टीचर मीटिंग करें, बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन इसमें भी बड़े बड़े टीचर जो है अभी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, वो खाली अपना कोर्स बेचने से लगे रहते हैं, वैकेंसी आ जाएगी कोर्स बेच देंगे ये कर देंगे। इस समय उन टीचरों को आपका साथ देना चाहिए लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही कुछ बोलने की स्थिति में है। तो देखिए अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो उसका तो समाधान होना चाहिए। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि ईमानदारी से जैसे जबलपुर ने रिजल्ट दिया है उस तरह से रिजल्ट आप दे दीजिए दोबारा से। तो देखिए अभी टीचर सामने नहीं आ रहे हैं और देखिए मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूं तो देखिए अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, जब तक सारे टीचर साथ नहीं आएंगे, सभी टीचर एकजुट नहीं होंगे तब तक ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर ट्विटर कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दें कि इस डेट को ट्विटर कैंपेन चलना चाहिए। और ट्विटर कैंपेन में देखिए मांग यही होगी कि हमें जो रिजल्ट है जबलपुर के आधार पर दीजिए, यानी कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें रिवाइज रिजल्ट चाहिए। तो ये मांग हम ट्विटर कैंपेन के जरिए कर सकते हैं, सभी जोन के छात्र आएंगे और सभी जोन के छात्र ये मांग करेंगे तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि टीचर तो पता नहीं है शायद मुश्किल ही इसमें साथ आए आपके, तो मुझे नहीं लगता कि टीचर सभी साथ आएंगे। तो अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि सारे टीचर बस अपने ही काम में लगे हुए हैं, कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोबारा से रिजल्ट तभी आएगा तब आप सब लोग एक साथ होंगे। तो देखिए मैं भी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ कि जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है वो ना हो, वो सही हो और सारे टीचर एक साथ आकर आपके साथ खड़े हो जाएं। तो यही है, देखिए अब घोटाला हुआ है तो उसका भी समाधान होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि अब घोटाले में ही पूरी हर प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसका भी समाधान होगा, आपको भी संतुष्टि दी जाएगी। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।